मैं बता दूंगा, आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जानकारी के मुताबिक, आपके जरूरत के मुताबिक जो भी बनाऊं वो कंटेंट बिल्कुल सही और सटीक हो, जिससे आप लाभान्वित तो हो सकें, ये मेरा मेन एम रहता है। तो अभी हम आज जो है पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आज की मार्केट में फॉल हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या वहां पर घटित हुआ है, उसके बाद देखते हैं कि क्यों घटित हुआ है, क्या चिंता का सबब है या नहीं है। तो देखिए, सेंसेक्स में आपका 379 पॉइंट, निफ्टी में आपका 76 पॉइंट, निफ्टी बैंक में 472 पॉइंट ध्यान रखिएगा, और आईटी में 412 पॉइंट, एंड आपके स्मॉल कैप बीएससी में मात्र जो है 12 पॉइंट की गिरावट हुई है। 1602 करोड़ आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है, वहीं 1959 करोड़, तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास आज के इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया है। अब समझिए, ऐसा होना लाजमी था। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज 1 जनवरी की वजह से लोगों ने क्या किया है, अपनी प्रॉफिट को बुक किया है, और कोई ऐसा सीन नहीं था। आज भी वही सीन है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपने प्रॉफिट को बुक किया है, और ये प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने 4 साल से, 6 साल से, 10 साल से, 15 साल से अगर इन्वेस्ट करा हुआ है, आज उनका पोर्टफोलियो ग्रीन में दिख रहा है, तो उनका हक बनता है कि अपने प्रॉफिट को गेन करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अगर उनका गोल पूरा हो गया है तो अपने गोल को पूरा करें। तो जब भी ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं, आगे भी टाइम टू टाइम बताता हूं, जब FIIH फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअस सेल कर रहे हो, तो उस समय आपने क्या करना है, बाई करना है। जब FIIH बाई कर रहे हो ह्यूज अमाउंट में, उस समय आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल दिमाग आप लगाएंगे, जुगानी टॉक्स के साथ जुड़े रहेंगे, तो आप ट्रिक सीख जाएंगे कि आप प्रॉफिट बुक कैसे करें, आप बाई कैसे करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो 5 मिस्टेक्स लोग करते हैं उनमें से यही है कि राइट टाइम पर लोग एंटर नहीं करते हैं, 2 मिस्टेक्स तो उसमें से यही आ जाती है, और राइट टाइम पर अपना प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग। पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है, हर किसी की एक नीड होती है, हर किसी का एक गोल होता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग। पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि सबकी एज अलग अलग होती है। सपोज कीजिए 25 साल पे बंदे का जॉब लग जाता है और 60 साल तक बंदा काम करता है, ये कहने की बात है। लोग बोलते हैं कि रिटायर्ड हो जाओ, रिटायर, अरे किससे रिटायर्ड हो जाओ यार, रिटायर्ड तो जिंदगी से होना है। लेकिन एक सेचुरेशन एक चीज होती है, फाइनेंशियल में क्या होता है, सेचुरेशन एक चीज होती है। जब देखिए, आपको रिटायरमेंट का नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं उसको क्या बोलता हूँ, मेरी लैंग्वेज में फाइनेंशियल सिचुएशन बोलते हैं। आज हमें कोई चीज खरीदनी है तो हमें सोचने की जरूरत ना पड़े। देखिए, आप अंबानी या अडानी तो नहीं बन जाएंगे, ये तो श्योर है, लेकिन अगर आप जुगानी टॉक्स का जुड़े रहेंगे और आप सही तरीके से, ज्यादा नहीं 5 साल आप अपने पैसे को ग्रो होने के लिए मौका दे देते हैं, 10 साल आप, एक डिकेड खाली मौका दे देते हैं ना, ओनली वन डिकेड में हर चीज चेंज हो जाती है। आप देखिएगा, डिकेड का जो यरा होता है ना, ये बहुत कुछ लेकर के आता है, काफी सारी चेंजमेंट आती है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। हर टर्म में 10 5 ईयर का प्लान खाली पंचवर्षीय योजना तो गवर्नमेंट लेकर के चलती है, बट ये मान करके चलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखता है 10वें साल में। तो अगर आपने इतना दे दिया ना, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैंने गाड़ी कब लेनी है, मेरे बच्चे का एजुकेशन के लिए फीस क्या देनी है, और मैंने घर कहाँ लेना है, ये तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो अब बात कर लेते हैं, वो सब बातें आपको चलती रहेंगी, आपको बहुत, अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा माध्यम मिला है, आप निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। पोर्टफोलियो बैलेंसिंग में कुछ नहीं करना है आपने, करना बहुत कुछ है आपने। दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, करना बहुत कुछ है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इस ट्रिक को करना है आपने। देखिए, इक्विटी आप जानते हैं कि जोखिम के अधीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जोखिम आप कितना ले सकते हैं
वो जोखिम लेने का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, उस स्टैंडर्ड फार्मूले पर आपने चलना है। आज हमें लगता है नहीं यार मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस मैं अर्न कर रहा हूँ, यस मेरे को ये नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आपको मैंने एक वीडियो में जो मेरे देखिएगा मैंने कहा था, जब आपके पास विपुल मात्रा में धन आना शुरू होता है तो इतनी तेजी से और इतने रास्ते से आता है कि आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि यार मेरे पास आया तो कहां से आया और कितना आया, अब मैं इसका करूं तो क्या करूं। ये आप ध्यान रखिए, ये आपको बिल्कुल विपुल मात्रा में इतना आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इसका क्या करूं। इंतजार नहीं करना है, आपने करना है, आपने करना है। जो आप काम कर रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो ना, वो आपको कर्म करना है। कर्म आप करते जाएंगे तो डेफिनेट है, यस आई हैव सीन यार, हर साइड से आना शुरू होता है। मैं इसको चार बार इंफेसाइज करके बोल रहा हूँ, दुनिया तीन बार करती है, पांच बार करती है, हर साइड से आता है और डेफिनेट है आपके जीवन में आएगा। लेकिन अब कुछ नहीं, क्या करना है वो तो हो गया, उसके लिए जो आप कर रहे हो वो आप करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, अपना जॉब करते रहिए, अपना ये अपने अपने चक्षु को खोलते रहिए, ब्लूटूथ को ऑन करके रखिए, ठीक है ना। उसके बाद में 100 माइनस एज आपने करनी है। 100 माइनस एज क्या हो गया, वो आपका इक्विटी का पोर्शन होना चाहिए। वो आपका इक्विटी का पोर्शन हो गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी भी एज में आप, क्योंकि देखो यार हर आदमी डरता है, बट आज का जो सिनेरियो बन गया है ना, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में आपको उतना आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाता है जितने कि आपकी महंगाई उसको खाती है। तो समस्या यह हो रही है कि आप अगर पैसा जोड़ना चाह रहे हो, बिना जोड़े तो पैसा आप कर नहीं पाओगे, बच्चे के एजुकेशन कर नहीं पाओगे, कार आप ले नहीं पाओगे, ये मतलब जो भी आपकी एम है ना वो आपको करना पड़ेगा। लोनिंग के चक्कर में पड़ोगे तो यार फिर उसके बाद में ब्याज ही चुकाते रह जाओगे। तो कई सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे अपना होगा जो है डिस्कस होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो बैलेंसिंग की, उस पर कर लेते हैं। 100 माइनस एज, 100 माइनस एज का पोर्शन जो है ना वो आपका इक्विटी में जाना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद में इक्विटी में क्यों उतना ही जाना चाहिए, क्योंकि देखो भाई यंग लड़का है, वो लोन ले सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है, वो जॉब कर सकता है, उसका एनर्जी लेवल उसका हाई है, एक्सपीरियंस उसका कम है। बट जिससे एज हो जाती है ना, आपका एक्सपीरियंस तो हो जाता है बट एंटी एजिंग आपकी शुरू हो, मतलब एंटी एजिंग शुरू हो जाती है। मींस क्या होता है, ऐसा नहीं है, अगर आप सही तरीके से खान पान सही है, एक्सरसाइज सही कर रहे हो तो आपका एनर्जी लेवल बहुत सही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मैं कम से कम 47 ईयर में पूरे दिन काम करने के बाद में फिर भी मैं आपके लिए 12 बजे रात तक काम करता हूँ, फिर मैं 4 बजे सवेरे उठ जाता हूँ, तो काफ़ी सारी मेहनत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नया साल है आप भी ये प्रण करेंगे, यस आई विल बी हेल्दी, अपनी दिनचर्या को इम्प्रूव करेंगे, अपनी डाइट को इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि यार देखो इन चीज़ों के साथ साथ ये भी बताना मेरा फर्ज है आपका, तभी आप एनर्जेटिक रहेंगे, तभी आप हर फील्ड में कम्पटीट कर पाएंगे। आज के टाइम पर कम्पटिशन बहुत है, बात को मेरी आप समझिए। तो आपको एनर्जेटिक के लिए मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ, आप अपनी अच्छी डाइट शामिल करें, अपना योगा करें, एक्सरसाइज करें, टाइम से बिस्तर छोड़ें, टाइम से आप सोएं। हाँ अगर आप काम कर रहे हैं तो काम भी उसी अनुसार करें। तो हम बात कर रहे थे एजिंग का फैक्टर क्यों लेना है। एजिंग का फैक्टर इसीलिए लिया गया है कि जो एज का क्राइटेरिया है, इक्विटी में रिस्क तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसी बात पर फिर आ रहे हैं। तो अब उस रिस्क को लेने की क्षमता किसकी कितनी है। अब कोई बोलेगा मेरी तो क्षमता बहुत है, भाई देखो बहुत है तो आप कर लो, बाद में मेरा दोष नहीं देना। जिस दिन आज जैसे ग्रीनरी देख करके आपको लग रहा है ना, अभी ग्रीनरी ये कब से शुरू हुई है, मार्च से शुरू हुई है, नवंबर दिसंबर ही है, जनवरी आई है, मार्च आएगा तब जाकर के एक साल होगा, और आई थिंक कि जुलाई, हाँ आई थिंक 100% जुलाई से जाकर के दिखना शुरू हुआ है। मार्च तक तो पिछले साल डाउन ही था, तकरीबन 15 मार्च के बाद में फिर दिखना शुरू हुआ है। तो अभी आपको जितना ग्रीनरी देखने में अच्छा लग रहा है ना, उतना ही पेन जब ये लाल 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 दिखता है ना, तब उस समय दिखता है दोस्त। फिर पेन हर किसी को होता है, तो आपकी बीपी ना बढ़े, आपकी हार्ट बीट ना बढ़े, आपको दर्द ना हो, उसके लिए 100 माइनस एज का फार्मूला है इक्विटी का। अब देखिए 30 ईयर का बंदा है, 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, अब उसका 70% कहाँ जाना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए, बाकी 30% उसका कहाँ जाना चाहिए, ये वो अमाउंट है जो कि सेविंग का है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का ही अमाउंट है, उसका आपको 50-30-20 का रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
ऐसा भी नहीं करना है कि सारा सारा लालच में आकर के इक्विटी में डाल दो और उसके बाद में भैया मेरे जोखिम के अधीन हो जाओ, जुगानी टैक्स का या जुगानी का कोई दोष नहीं देना, ठीक है ना। तो आपने ये कर दिया, 70% हो गया, 60 साल का बंदा है तो 100 माइनस 60 60, तो कितना जाना चाहिए आपका इक्विटी में, 40% आपका जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बाकी आपको गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में लेकर के चलना है, लार्ज कैप मिड कैप और उसमें कितना स्मॉल कैप में कितना डालना है वो भी किसी दिन आपको बताऊंगा, या मैंने पिछले वीडियो में एक बार डाला था, अगर आप लोगों को आएगा समझ में तो उसको देख लीजिएगा। नहीं तो इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करोगे ना, टेंशन फ्री होकर के रहोगे, आप महंगाई से भी बीट कर लोगे, आपकी फाइनेंशियली भी आप मजबूत रहोगे, कोई भी आपको टेंशन भी नहीं होगी, हर गोल आपका सिद्ध होगा। अगला मैं आपको बताऊंगा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, वो भी आपको डेफिनेट है जल्दी जल्दी करूंगा। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज रिवार्ड जरूर करें, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।